नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं श्रुति। मध्य प्रदेश से एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे मध्य प्रदेश सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र यादव प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी में लौट आए हैं। जी हां, आपने सही सुना, सत्येंद्र यादव गुरुवार को पीसीसी दफ्तर पहुंचे और कामकाज शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद सत्येंद्र यादव ने भी सेवा दल से इस्तीफा दे दिया था। सत्येंद्र यादव ने एक चैनल से बातचीत में कहा, मैं भाजपा में नहीं जा सकता, सेवा दल की पूरी टीम कांग्रेस के लिए उपचुनाव में जुटी हुई है। उनका कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं। सिंधिया इन दिनों किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा में परेशान होकर जल्द ही कांग्रेस में लौट आएंगे। वहीं उपचुनाव से पहले भाजपा को ये ग्वालियर चंबल संभाग से भी बड़ा झटका मिला। पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू के बाद पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया है, वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। बालेंद्र शुक्ला आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की पुनः सदस्यता लेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी में काफी समय से उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। पार्टी में सम्मान नहीं मिलने से बालेंद्र शुक्ला लंबे समय से नाराज चल रहे थे। प्रेमचंद्र गुड्डू की तरह इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से पार्टी छोड़ कांग्रेस में आने का मन बना लिया था। गौरतलब है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में पीएचई मंत्री रहे बालेंद्र शुक्ला माधवराव सिंधिया के करीबी थे। उनका सिंधिया परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ता भी था, लेकिन माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उनका महल से रिश्ता धीरे धीरे कम होता चला गया और फिर एक दिन उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ दी। अब जब सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो बालेंद्र शुक्ला भाजपा में एक बार फिर से अलग पड़ गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी का मन बनाया। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी की थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होते ही गुड्डू ने सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लगातार बयानबाजी करने लगे थे, जिसके बाद बीजेपी ने गुड्डू को नोटिस भेजा और जवाब मांगा था। जवाब ना मिलने पर बीजेपी ने गुड्डू को भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अब इतने विवादों के बीच जहां एक तरफ सिंधिया मानव फंसे गए हैं, रोज उनके कारण बीजेपी के इक्का दुक्का लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो खुद ही बीजेपी में खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अब हर तरफ उनका परिहास हो रहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया। उमा भारती ने कहा कि भाजपा एक अथाह सागर है और उसमें छोटी छोटी नदियां आकर समा जाती हैं। समुद्र कभी अपनी सीमा लांघकर किसी दूसरे के पास नहीं जाता, बल्कि छोटी नदियां घूम फिर कर समुद्र में आ जाती हैं। अब बीजेपी कांग्रेस के बीच का ये अत्यधिक चुनौती भरा खेल उपचुनाव होने तक तो चलता ही रहेगा। चले भी क्यों ना, सिंधिया ने खेल शुरू होने से पहले ही टीम जो बदल डाली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।